अगर संस्कारों का लिहाज ना होता ना हमको एक चीट का छापर देते और दिमाग होश में आ जाता। आप रज्जो से ऐसे बात नहीं कर सकते, हमारी होने वाली पत्नी है। हमारी जैसे ही कमलावती का किसी बात होगी तुम्हारी ट्रेन वापस से यार्ड में पहुंच जाएगी। इस घर में जबरदस्ती घुसने के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। आप ना आराम से ई पड़ी क्या ये? अरे लीजिए, ये तो तलाकनामा है कमलावती देवी और ब्रजभान सिंह का। कानून के मुताबिक तुम इस घर में रह सकती होगी, लेकिन हम तुम्हें इस घर की मर्यादा का अपमान करने नहीं देंगे। तुम चाचा जी के कमरे के अंदर नहीं जाओगी। क्या बात है, हमें ये नहीं पता था कि घर में सुपनखा हमें रामायण का पाठ पढ़ाएगी। वैसे एक बात बताएं एलएलबी मैडम जी, हमें ना तुमरे और तुमरे वो शेखर वकील उसके सारे के सारे किस्से अच्छे से पता है। तो जो मर्यादा का ज्ञान तुम हमें दे रही हो ना, ना दो। जिसके मुंह से तुम ये किस्सा सुन के आई हो ना, उसको बोल देना अगली बार तुम्हें पूरी कहानी भी सुना दे। लेकिन हमें तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, हम तो बस तुम्हें ये बताने आए थे कि तुम चाचा जी के कमरे के अंदर नहीं जाओगी। अच्छा तो ठीक है, बताओ हमें कौन रोकेगा? तुम? हम दोनों। वैसे तो हम ना इसका किसी बात से सहमत नहीं होते हैं, लेकिन आज ये जो कह रही है ना वो 16 आने सही कह रही है। आया कि हमारे होते हुए ना हम इस घर में कोनो अनाचार नहीं होने देंगे, और इसलिए तुम देवर जी का कमरा में नहीं सोओगे, समझे? है ना, हम तो उन्हीं के कमरे में सोएंगे जिनका हाथ पकड़ के हम इस घर में प्रवेश किए। और एक बात और, कुका है ना कि हम मुंहपट भले ही हैं लेकिन बेशरम बिल्कुल भी नहीं है। तभी तो ये जो दरवाजा है ना इसे खुला रखकर सोएंगे। हमने कहा ना तुम चाचा जी के कमरे के अंदर नहीं जाओगी। उसका है ना, जब तुम अपने प्यारे से बबुआ को रात में लोरी सुनाकर सुला दोगी ना, तो उसके बाद यहाँ आना, एक कुर्सी पर बैठकर रात भर अच्छे से पहरेदारी करना। तुमको हम पे भरोसा नहीं है ना? खुश? अरे भौजी, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, हम खुद ही आपसे बतियाना चाह रहे थे। लेकिन बस देवर जी, जो बेशर्मी आप किए हैं ना उसके बाद बतियाने का कोनो मतबल नहीं बनता है। आपका किया धरा जो है वो सबके सामने है, इसके आगे कोनो बात करके ना हमारा आत्मा और दुखी मत कीजिए। रज्जो जी, कहाँ बिस्तर लगा रही हैं? अभी हमारी शादी कहाँ हुई है, इसलिए हम दोनों साथ में थोड़ी ना सो सकते हैं। तो हम यहाँ सोएंगी। अरे आप कहाँ यहाँ सोएंगी, आप जाके वहाँ चारपाई पे सोइए, हम सो जाएंगे। ओके, गुड नाइट सैया जी, लव यू। एक पिसू है और एक ही देवर जी। पिसू का देखा देखी में
देवर जी भी मेमने बने फिर रहे हैं। वो टेंटे में सोता है और जमीन पर सोएंगे। पता नहीं कहाँ हो गया इन लोगों को। सुनो, तुमको याद तो है ना? हमें याद है सासू। हमें आपको किराया देना है। आप फिक्र मत कीजिए, हम समय पर आपको किराया दे देंगे। कोई जासूसी किताब पढ़ना बंद करना पड़ेगा। कमरा में इतना गर्मी हो रही, माथा तक ले चद्दर तान के सो रही। वही चलते ना बड़की भौजी को माथा में इतना गर्मी है। हम पानी पी लेते हैं, गला सूख रहा। एक तो बात है, अगर बड़की भौजी रज्जो के पीछे पड़ जाएगी ना तो दंगल ही होगा ही घर में। मजा आएगा। Thank you.
श्रिष्टि जी, आप अभी तक जगी हुई हैं? अब और आप परेशान काहे लग रही हैं? श्रिष्टि आप अभी तक सोए क्यों नहीं? सॉरी, लाइट की वजह से आपकी नींद खुल गई होगी, हम अभी बंद कर देते हैं। श्रिष्टि जी, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप परेशान काहे हैं? विष्णु जी, आप भी ना बहुत जिद्दी हैं। हमने सोचा कि हमने पढ़ाई में जब इतनी मेहनत की है तो उसका इस्तेमाल भी तो होना चाहिए ना, इसलिए हम जॉब्स ढूंढ रहे थे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है श्रिष्टि जी, और वैसे भी आप इतनी काबिल हैं कि आपको तो आसानी से काम मिल भी जाएगा। नहीं विष्णु जी, लेकिन इतनी आसानी से भी नहीं मिलती। देखिए ना, कितनी सारी जगह अप्लाई किया है लेकिन कहीं से भी जवाब नहीं आया। चलिए साइड रखिए, और अब आप है ना ले जाइए। जी लेकिन 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 कुछ नहीं, चुपचाप ले जाइए। ओके, अब आपकी प्रॉब्लम ना हमारी जिम्मेदारी, हम ढूंढेंगे आपके लिए काम। आप काहे भरोसा नहीं है काम पर? नहीं नहीं, हमें आप पे पूरा भरोसा है। तो बस अब आप है ना सो जाइए, वैसे भी सारा दिन आप घर का काम करती रहती है, आराम करती नहीं है, तो कम से कम रात को तो आराम किया कीजिए, है ना। बाकी है ना हम काम के बारे में ना सुबह बात करेंगे, ठीक है? थैंक यू विष्णु जी। ये थैंक यू सॉरी छोड़िए, अब सो जाइए, ठीक है? छोटी परी सो जा, छोटी परी सो जा, सो जा सो जा सो जा सो जा। हमें कुछ तो करना होगा श्रिष्टि जी के लिए, लेकिन कहा माहौल है, कितना अच्छा लग रहा है हमको। अरे रंगीन माहौल में आपका भी नाच गाना निकला जा रहा है। इसे बड़की भौजी, अब तुमको याद है एक बार तुम भी ऐसा ही ना भोरे भोरे गाना बजा के सबका नींद खराब कर दी थी। तुम्हारा गाना गाना एक और बेशर्मी तुमको लग रहा है। हम कभी एक घटिया गाना नहीं बजाए हैं, भगवान का भजन बताए थे, कुछ याद है? अपन अपन स्टाइल है ना बड़की भौजी, आ इसके लिए ये भजन होगा। इसको तो भी बताते हैं हम। अब बड़की भौजी सुनो ना, श्रीमती जी बंद करवाइए बेहोशपन, रुकवाइए इसको, समझाइए उसको। अरे बड़की भौजी मारने का वाली हूँ, हम तो कहते हमरो तरफ से चटिया देना तू। बड़की भौजी हमको तो लग रहा है इनकी वो बखिलनी है, बाजी मार लेगी, तुम देख। क्यों ये सुबह सुबह क्या बेशर्मी कर रही हो तुम? इसे बेशर्मी कहते हैं? अच्छा, हमें तो लगा कि बेशर्मी तो वो थी जो कल रात हम कमरे में। नहीं किए। अरे तो हमारा स्टाइल है, वरना हमारी मॉर्निंग कैसे होगी? हमें गाना सुनना होता है, नाचना होता है। का समझी? चलो। अच्छा, तो अपने तौर तरीके अपने पास रखो, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। ये शरीफों का घर है, शर्मों का मोहल्ला नहीं, समझे? हे,
एलएलबी मैडम हमारा दिमाग ना रज्जो अरे रज्जो जी कितना नाचिएगा थक जाइएगा ना अब सवेरे सवेरे इतना जोर जोर से गाना अगर बजाइएगा तो फिर सब लोगों का नींद खराब होगा ना छुटको फूफा ना नया नया फिल्म देख के सब सीख रहे हैं हमको तो लगता परेशान काहे हो रही है हम आज ही जाके आपके लिए बाजा और एकदम लाउड स्पीकर के साथ लेके आते हैं फिर अपना कमरा में जितना बजाना है मर्जी से बजाइए जोर जोर से मतलब कोई टेंशन का बात नहीं है अब यहाँ से चलिए ना चलिए 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 ठीक है ओ मैडम ये बेमतलब का हमें कानून वानून सिखाने का गलती मत करो वरना कसम अंजलिना जूली की कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें भी सजा सुनानी पड़े समझे कि नहीं गुस्सा कम कीजिए चलिए यहाँ से चलिए सारा हमारा मूड खराब कर दिया क्या हो रहा है इस घर में ये पर ना कोनो जोर चल रहा है इसके सामने कैसे ना कागज के शेर बनल है हमको ताकत दिखा दी थी हेलो ईशु जी आप कहाँ हैं हम अभी आ रुकिए ईशु जी ये सब क्या है आप आइए ना अरे पर ये है सृष्टि जी आप लोगों को पता है ये एलएलबी में ना अपने कॉलेज में टॉप की थी और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे भी टॉप करें तो आज से है ना सृष्टि जी से उनको ट्यूशन क्लासेस दिलवाना शुरू कर दीजिए अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है हाँ हमारे को तो घर में ही इतनी अच्छी मास्टरनी जी मिल गई पर हमारा मोहन बहुत शरारती है थोड़ा अलग से ध्यान रखिएगा इसका और हमने बीसी जी से पैसे की बात कर ली आपको एडवांस पैसा जल्द ही दे देंगे आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए हम बच्चों का पूरा ध्यान रखेंगे खूब पढ़ना हाँ अच्छे से थैंक यू वीशु जी आपने हमारी सारी टेंशन दूर कर दी आपको पता है हमारे दिमाग में ये आइडिया आया ही नहीं श्रिष्टि जी ये आइडिया आपके दिमाग में आता भी कैसे तो आपको सोचने के लिए मना किए थे ना थैंक यू अच्छा सुनिए श्रिष्टि जी हमें ना हमने सब कुछ रेडी करके रखे हुए हैं आप तब तक बच्चे से मिलिए हम आते हैं हो गया श्रिष्टि जी अब आप बच्चों को पढ़ाइए और हम अपना है ना सूर्य ऊर्जा का प्रोजेक्ट पूरा करने जा रहे हैं ठीक है अब आप सब अपनी किताबें निकालिए तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ से यानी कि गणित तो अब टू का टेबल क्या सीखेंगे हम टू के टेबल से टू वन जा टू टू वन जा टू बकीमी तब मास्टर नहीं बन गई टू टूज आ फोर बात फुगा को बताते एक बात बताइए मुझे आप सबसे एक सवाल पूछना है ठीक है देखते हैं कौन आंसर करता है तब वो कानून वाली इस घर में पाठशाला खोलेगी वो भी बिना हमारा अनुमति के अब फुगा तुम फूफा से कह के काहे नहीं उसका ही पाठशाला बंद करवाती हो अरे दुलरिया इस सारा कमी जो है ना वो तुम्हारे फूफा का ही है अरे वो रज्जो को कुछ नहीं कह पा रहे हैं तो कानून वाली तो उनकी चहेती बहुरानी है उसको का खाक रोकेंगे हमको लगता है ना कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलते रहा तो किराया 31 तारीख को तुम्हारे मुंह पर मार देगी
अब हमारा मतलब है कि तुम्हारे हाथ में रख देगी। हाँ, हाथ में। कानून वाले का ना कुछ करना पड़ेगा। तुम एक काम करो, तुम जो है वो रज्जो और रागिनी पर नजर रखो, है, और इस कानून वाले का तो कान कैसे बंद करना है वो हम सोचते हैं।